मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, यज्ञ की आधारशिला, ममा के बाद यज्ञ को थमाने वाली, विदेशों में यज्ञ का परचम लहराने वाली दादी प्रकाशमणि जी का आज अव्यक्त दिवस है। तो आज अव्यक्त दिवस के दिन हम दादी को बहुत प्रेम से याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और अपनी खुश नसीबी पर गर्व करते हैं कि हमें दादी जैसी महान अनुभूति का संग मिला, उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी सेवा से जो पूरे विश्व में यज्ञ का परचम लहरा, दूर दूर बैठे सभी यज्ञवस्तुओं को बाबा का ज्ञान मिला, दूर देशी विदेशी भाई बहनों तक बाबा का परिचय देने के निमित्त बनी दादी प्रकाशमणि, अपने नाम के अनुरूप पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश करने वाली उस महान विभूति को हमारा शत शत प्रणाम है। और आप सभी भाई बहनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटी सी वीडियो का लिंक दिया गया है जो कि दादी प्रकाशमणि जी के संबंध में है। सभी भाई बहनें उसे ज़रूर देखें और जानें यज्ञ की उन विभूतियों को जिनकी सेवा के कारण ही आज हम इस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। तो यज्ञ की आधारशिला दादी प्रकाशमणि के अव्यक्त दिवस पर दिल से उनको कोटि कोटि नमन है। ओम शांति। तो चलिए आज की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। आज बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। और आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं, स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है। तो देखो, हम सब आत्माएं प्रेम ही तो चाहती है ना सभी से। तो बाबा ने पूछा है कि किन से सभी प्यार करते, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं उत्तर में बाबा हमें क्या बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तो हम सबको क्या करना है, सभी से प्यार से रहना है, प्यार से सेवा करनी है, सेवा का अहंकार नहीं आने देना और बाबा की सबको याद दिलानी है। तो बाबा कहते हैं, इसी याद की यात्रा से तुम बहुत सेफ रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और ना जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। देखो बाबा कहते देवता बनना है ना तो क्या करना है, साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कि शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनके इनका अपने ऊपर अटेंशन है, जबकि तुमको शांति धाम में जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है, धीरे धीरे बोलना है, आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चला जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इवल टॉक नो इवल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद होगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सत्युग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत देते हैं, समझाते हैं मीठे बच्चों अब तुम्हें घर चलना है, टाकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। बाबा ने कहा कि तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, यानी कि कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है। क्या देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हरेक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। बाबा कहते कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की खस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। बाबा कहते एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, उनसे पूछते रहो कि याद है, अपने आप से भी पूछते रहो। बाबा कहते इसमें खुशी भी होती है और याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपनी करैक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं। हरेक अपने दिल से पूछे, क्या पूछना है कि क्या हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है। बाबा कहते पूछना है, अपने दिल से पूछना है। कभी किसी को नाराज तो नहीं करते, ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो, तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है कि नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है। हम कहते हैं ये नक्षत्र है, देवता मानते उनको, तो बाबा कहते ये तो सितारे हैं, कोई देवता नहीं है। तुम तो उनसे महान हो, बलवान हो। क्यों?
क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। जो ऊपर सितारे हैं, बाबा कहते हैं वो महान नहीं है, हम तो उनको ग्रह तारे नक्षत्रों को महान मानते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। बाबा कहते हैं जैसे ऊपर सितारों की रिम झिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा हमें चैतन्य सितारे कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है, तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो, तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। बाबा कहते हैं इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, क्या करते हैं कि मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाबा ने तो सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी है ना। बाबा कहते बाप को याद करने से तुम चिरंजीव बन रहे हो, यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ना आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा, सत्युग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। बाबा कहते तुम जानते हो कि बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवर्ड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा बहुत प्यारा बनना है, है ना। बाबा बहुत मीठा बहुत प्यारा, तो हमें भी बाबा के जैसा बहुत बहुत मीठा और बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकलदे बच्चों, बाबा बहुत मीठा है ना। बाबा पूछते हैं ना कभी कभी मुरलियों में हमसे, तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है। करते हैं सभी भाई बहन, करते हैं, इसीलिए तो बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना प्यार से, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बाबा भी हमें भी ऐसा बनाते हैं, कैसा मीठा प्यारा। बाबा कहते यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे कितने प्यारे थे, हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं, है ना, समझने की बातें कि हम ही पूज्य थे फिर धीरे धीरे हम ही पुजारी बन गए। क्यों, क्योंकि हमारी अवस्था गिरती गई। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव, अब वह महादेव तो है नहीं है, है ना। बाबा कहते दुख तो बाप ही हरेंगे, दुख हरकर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं, पांच विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है और इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे यह जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत प्रेम से आते हैं, जानते हैं कि मुझे बच्चों की सेवा में आना है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं, कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब हमें निश्चय हुआ है ना, समझ आई है, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना, बाप जानते हैं
सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नजर दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। देखो बाबा कहते हैं, मैं बैठा चाहे यहाँ हूँ, देखने में साकारी तन में बैठा हूँ, लगता है कि लिमिट में है, हद में है, लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं सारे विश्व की आत्माओं को यहीं से बैठकर देख रहा हूँ। बाबा की नजर एक एक मनुष्य आत्मा पर है। देखो, और हम क्या कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, कोई हमारी नहीं सुनता, क्योंकि निश्चय नहीं है ना। जिस दिन ये निश्चय बैठता है, बाबा देखो कितना क्लियर करता है मुरलियों में, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मणों की अवस्था ऊंची नीचे होती जाती है, इसीलिए बाबा हमको ये निश्चय दिलाता है ताकि बच्चे घबरा ना जाए। बाबा ने कहा कि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना, क्योंकि सब बाप के बच्चे हैं, सबको देखना है उसको। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके, बाबा के जैसा कोई भी सेवा नहीं कर सकता, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सबको हमारे से, मुझ आत्मा से सबको बाप की प्रत्यक्षता कैसी होगी, कैसे होगी? जैसे मैं बाप के जैसी निरहंकारी बनकर निस्वार्थ सेवा करूंगी तब सबको मुझसे बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ये हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मैं ऐसा हूँ। बाबा कहते सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमद पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। नशा चढ़ता है ना कि बाबा हमसे ये काम करवाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी झोली खूब भरो, जितनी भरनी है भरो, खुला पड़ा है भंडारा ज्ञान का। बाबा कहते अपना टाइम बर्बाद ना करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों कोई भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है, अंतरात्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियसनेस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। बाबा क्या समझाने दे रहे हैं कि जो भी बड़े भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको देखो, उनसे सीखो। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। बाबा कहते शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, गृहस्थी को भी देखना है ना, जो बच्चे हैं, शरीर की जो रचना है, लौकिक बच्चे हैं उनको देखना है, और उनकी देखभाल करने के लिए, उनको निर्वाह करने के लिए कमाई भी करनी है। बाबा कहते सिर्फ ममत्व नहीं रखना है, करना सब कुछ है लेकिन मोह नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा, ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। लौकिक में क्या है, मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, तो हम आत्माएं हैं ना, तो हमें परमात्मा पढ़ाता है। तो देखो बाबा ने कितनी अच्छी लाइन कही कि ममत्व निकालो। जब हम ये भाव निकाल देंगे कि ये सिर्फ मेरा है, उसकी जगह हम आत्मा रूप में उसे देखेंगे, तो ये समझ में आएगा ये परमात्मा की संतान है, मैं जस्ट इस रोल में आया हूँ, उसकी माता के रोल में, पिता के रोल में,
तो मुझे जस्ट अपना रोल प्ले करना है, बाकी वो जाने। तो हम भी क्या हो जाएंगे, भार से मुक्त हो जाएंगे, बोझ से मुक्त हो जाएंगे कि ये मेरी जिम्मेवारी, जिम्मेवारी उसकी है। फिर वो हमें अच्छी बुद्धि भी देगा, हम अच्छी बुद्धि से अच्छे तरीके से उसका पालन भी कर सकेंगे। तो बाबा कहते ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए, चलनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, और तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है, ये है रूहानी पढ़ाई। बाबा कहते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं ना। तो आप देखो आपके आसपास जो लौकिक स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, कभी फालतू बातें नहीं करते, वो हमेशा सेल्फ स्टडी करते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं, इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो, याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ, हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है, अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। बाबा कहते तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो, क्या देना है कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते, प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है, यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियसनेस होकर रहना है। और सेकंड पॉइंट है, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया कि साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे, इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। और स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। आपसी जो रूह का प्रेम है ना, वो संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। बाबा ने कहा मास्टर स्नेह के सागर बनो। और आज बाबा ने हमें क्या कहा है कि आज दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी के द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात, जो दादी जी हमें समझाते थे, तो हम बहुत प्यार से सुनेंगे दादी जी जो हमें अपने अनमोल सौगात दे रही हैं। तो ये 14 सूत्र हैं। तो पहला है ईश्वरीय, दादी जी क्या कहते हैं कि ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना, ईश्वरीय नियम और मर्यादा। और सेकंड पॉइंट है, दादी ने कहा कि सदा यही नशा रखो
कि हम भगवान के नयनों के नूर हैं। भगवान के नयनों में छिपकर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन नहीं करना। फोर्थ पॉइंट है, दादी ने कहा कि चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हरेक को खुश नसीब बना दे। पांचवा सूत्र है, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। छठा सूत्र है कि कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवां सूत्र है कि एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मते नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। आठवां सूत्र है, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। और नौवां सूत्र है कि चार मंत्र सदा याद रखना। पहला है एक कभी अलबेला नहीं बनना, दूसरा सदा अलर्ट रहना, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना, और तीसरा किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना, उन्नति की रेस करना, और चौथा कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के प्रभाव में ही रहना। दसवां सूत्र है कि हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। ग्यारहवां सूत्र है, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वां सूत्र है कि सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, इसलिए योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वां सूत्र है कि आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई ना दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। एक दो के आगे वर्णन नहीं करो, वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। और 14वां सूत्र है कि कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ, यह अंडरलाइन करो। तो दादी के दिए हुए 14 सूत्रों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। उतारना ही है, अपने जीवन को योग युक्त बनाना है, बाबा के समान बनना है, यही हम सब बच्चों का अंतिम ध्येय है, अंतिम लक्ष्य है। ओम शांति। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना।